ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের বিস্ফোরক ব্যারাকপুরের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্টার রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন ব্যারাকপুরে সরকারি কর্মসূচিতে যোগদান করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রবিবার তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য করেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের ভোট পরবর্তী এমন হিংসার ঘটনা দেখা যায়নি আগে কখনো। এ বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও অবগত করা হয়েছিল শপথ গ্রহণের দিন। তিনি আরও বলেন, সমস্ত বিষয় নিয়ে নবান্নকে জানানো হলেও নবান্নের দাবি সব কিছুই ঠিক আর রয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মে হিংসা কা কোই স্থান নেই হ্যায়। হিংসা ওর প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক দূসরে কে দুশ্মন হ্যায়। মেরা সবি সে আগ্রহ হ্যায়, রাষ্ট্রপিতা কো নমন করতে হুয়ে, কি হমে ও দৃশ্য দুবারা দেখনা নেই পড়ে, জো দৃশ্য গত বর্ষ চুনাব কে পশ্চাৎ আপ ওর হম সবনে ঝেলা হ্যায়। চুনাব কে পশ্চাৎ জো হিংসা কা তাণ্ডব নৃত্য হমনে দেখা, আগজনী, লুট, কত্ল, বলাৎকার, वो दिल दहलाने वाले था। आज़ादी के पश्चात इस प्रकार का घटनाक्रम कभी नहीं हुआ, ये हम सबको शर्मसार करता है। मैंने बड़ा प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री को शपथ देते ही आप सबके समक्ष मैंने उनको आगाह किया कि ये बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है। हम पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि को इस तरह नहीं देख सकते, रक्त रंजित होते हुए नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल गैस चैम्बर ऑफ डेमोक्रेसी बनता जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल एक वो लेबोरेटरी बन जाए जहां मानव अधिकारों का हनन हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप और हम सब का कर्तव्य है कि भारत के संविधान के श्रेष्ठ सिद्धांतों को मानते हुए इस बात में कोई कमी नहीं रखें कि समाज में शांति रहे, लोगों के मानव अधिकार का पूरा संरक्षण हो और शासन व्यवस्था इसकी ओर सजग रहे। अनेक प्रयास किए पर नबाना का एक स्टांस रहा, ऑल इज वेल, ये ठीक नहीं है। नतीजा क्या हुआ, राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करे। मानव अधिकार आयोग की वो टिप्पणी मेरे कानों में गूंजती रहती है, मैं उसका हल निकालने के लिए प्रयासरत हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं शासक का राज है, ये हम नहीं चाहते। मेरा एक उत्तरदायित्व है संवैधानिक, मेरा उत्तरदायित्व है कि प्रथम सेवक के रूप में मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, हालात कितने नाजुक हों, कितना भी मुझे अपमानित होना पड़े, कितनी भी खून की घूंटें मुझे पीनी पड़े, मैं अपने पाथ से नहीं डिगूंगा, क्योंकि भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना मेरा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ है, माननीय ममता बनर्जी की शपथ है कि वो अपना हर कार्यकलाप भारत के संविधान के अनुरूप करेंगे। आज के दिन इस स्थान से आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करता हूँ कि वो समय निकालें, राज्यपाल से चर्चा करें। प्रजातंत्र कभी टकराव नहीं चाहता, प्रजातंत्र चाहता है कि हर उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा आचरण करे और मिलजुल कर चलें जिससे जनता को राहत मिले। राज्य की 9 करोड़ से ज़्यादा जनता हमारी तरफ देख रही है, हमारा आचरण उत्कृष्ट होना पड़ेगा। हम एरोगेंस में नहीं आ सकते, हम व्यक्तिगत ईगो के शिकार नहीं हो सकते।
मैं उन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता जो आए दिन पता नहीं राज्यपाल के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते हैं। मैं नहीं उन पर प्रतिक्रिया देता, क्योंकि जब राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य के अंदर और बाहर जाकर असंयमित टिप्पणी की वो उचित नहीं था। आज के दिन मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, माननीय मुख्यमंत्री तक यह संदेश जाएगा कि वो और हम मिलकर चिंता करें, चिंतन करें, ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की ओर बढ़ें और एक साथ बढ़ें। मैं समझता हूँ आप मेरे मामले को, जो जनता का मामला है, जो जन कल्याण का मामला है, जो संविधान की भावना से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से उजागर करेंगे। Every day with family and friends.